हेलो एवरीवन, पिछली वीडियो में आपने हृदय और उसके कार्य के बारे में समझा था। इस वीडियो में हृदय के जो कार्य हैं वो किस प्रकार संभव होते हैं, किसकी मदद से संभव होते हैं, धमनियों, कोशिकाओं और शिराओं की मदद से, तो उनके बारे में हम थोड़ा बहुत जानेंगे। तो ये हमारा जो टॉपिक है रक्त प्रवाह संस्थान के अंग, रक्त प्रवाह संस्थान के अंग हैं हृदय, धमनियाँ, कोशिकाएँ, शिराएँ, जिसमें हृदय के बारे में हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं आपको। और आज हम धमनियों, कोशिकाओं और शिराओं के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हैं धमनियाँ। धमनियों को आर्टरीज भी कहते हैं, जिनका कार्य है रक्त को हृदय से दूर लेकर जाना, यानी कि हृदय से दूर मतलब कि शरीर के भागों में रक्त को हृदय से पहुँचाना। इसमें रक्त दाब बहुत अधिक होता है और इनकी संरचना के बारे में बात करें तो ये बहुत मोटी होती हैं, मजबूत होती हैं और लचीली भी होती हैं। लचीली इसलिए होती हैं क्योंकि जैसे हृदय से ब्लड आता है ओर्टा के द्वारा आर्टरीज में, तो उस समय इनका दाब जो है बहुत अधिक होता है ओर्टा में, तो आर्टरीज जो है उस दाब को कम करने में मदद करती हैं और कई भागों में विभाजित हो जाता है ब्लड और फिर वो आगे कैपिलरीज में जाकर फिर शरीर में पहुँचता है, शरीर के हर अंग में। तो ये थी धमनियाँ, जिसमें ब्लड प्रेशर बहुत अधिक होता है, इसीलिए इनकी दीवार जो है बहुत मोटी होती है और ये लचीली होती हैं, ब्लड के मात्रा के अनुसार जो है अपने आप को एडजस्ट कर लेती हैं लचीलेपन के कारण। दूसरा है हमारा कोशिकाएं। कोशिकाओं को कैपिलरीज भी कहते हैं और ये जो है हमारे शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुँचती है, हमारे शरीर के जितने भी टिश्यूज़ हैं, अंग हैं, उन तक रक्त को पहुँचाने का कार्य इनका होता है। धमनियों से, आर्टरीज से रक्त लेकर ये कैपिलरीज जो हैं सारे शरीर के एक एक अंग तक पहुँचती हैं, इसलिए हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर में ब्लड का जो फ्लो है इन्हीं के द्वारा संभव है, जो कि हर अंग तक पहुँचता है। और ये ब्लड के अलावा, ब्लड को तो पहुंचाती ही हैं शरीर के हर अंग में, लेकिन हमारे शरीर के जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं और न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स वगैरह हैं, उनको भी ये जो है शरीर के प्रत्येक अंग से वापस लेकर आती है। तो इसलिए इसमें दोनों प्रकार का रक्त हो सकता है, डीऑक्सीजनेटेड यानी कि बिना ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि ऑक्सीजन युक्त ब्लड। जब ये ब्लड को हृदय से शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुँचाती हैं तो उस समय इनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाने के बाद ये वापस वहां से वेस्ट प्रोडक्ट्स को लेकर आती हैं तब इनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। उसके बाद आती है हमारी शिराएं। शिराएं जो हैं हृदय की तरफ रक्त को लेकर जाती हैं, यानी कि शरीर से वापस जो है हृदय की तरफ ब्लड को लेकर जाती हैं ताकि वो शुद्ध होकर फिर दोबारा से हमारे शरीर में वापस फ्लो हो जाए। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड को हमारे शरीर से वापस हृदय की तरफ लेकर जाती हैं ताकि वो वहाँ जाकर शुद्ध होकर फिर से दोबारा धमनियों के द्वारा हमारे शरीर में पहुँच सके। तो ये चक्र चलता रहता है, जिसके बारे में आपने पिछली वीडियो में भी देखा होगा। जिन बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है वो उस वीडियो को ज़रूर देखें, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो नीचे मैंने थोड़ा सा डायग्राम भी बनाया हुआ है, जिसमें ओर्टा, हृदय से ओर्टा के द्वारा जब ब्लड आता है तो वह आर्टरीज में डिवाइड हो जाता है, उसके बाद वो कैपिलरीज में जाता है, कैपिलरीज जो है शरीर के प्रत्येक अंग में पहुंचा देती है ब्लड को और वहां से वेस्ट प्रोडक्ट को लेकर वापस पहुंचाती है हृदय की तरफ। तो फिर ये वेंस में आ जाता है। वेंस जो है, वेंस के बारे में अभी आपको बताया था कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमारा कैपिलरीज के द्वारा आया उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस हृदय की तरफ लेकर जाती है, ये वापस इधर लेकर आ जाएंगे। तो ये था वेंस का, आर्टरीज का और कैपिलरीज का फंक्शंस, जो कि हृदय में रक्त की पंपिंग को संभव बनाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी सभी क्लासमेट में इसको शेयर करें। धन्यवाद।